मैंने आपको बताया हुआ कि अगर ये इक्वेशन कभी भी दी हो तो इसके रूट होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमेशा ये आपको क्वाड्रेटिक में बताया था, और ये दी हो तो इसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन था। अब देखो इसमें स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट ये। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर मैं इसके रूट समझूं तो अल्फा बीटा दिए तो अल्फा को ओमेगा और बीटा को अगर ओमेगा स्क्वायर ले लूं तो थोड़ी सी कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। ये समझाने के लिए लिखा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वन, ये देखिए बीटा कितना ओमेगा स्क्वायर वन वाई प्लस ओमेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको आपस में ऐड कर दो तो समझना क्या आता, वाई प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये पूरा जीरो हो जाता। तो लॉजिकली हम जब इसको ऐड करते तो हमें यहां मिलता y y y, जो कॉमन ले लेते ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन और y प्लस ओमेगा। अब आपके लिए दो जीरो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, एक तो पहले तो y बाहर आ गया और दो जीरो बन गया फट से, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट अल्फा बीटा है, पर ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट देती है इक्वेशन, तो अल्फा ओमेगा हो गया बीटा ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ये जब हम इसमें रखते हैं इसको जोड़ें तो देखो, अगर आप इसको जोड़ोगे तो वन प्लस अल्फा प्लस बीटा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा है ना, और अल्फा प्लस बीटा कितना, अगर देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो तो माइनस वन है। इसका मतलब आप इसको इसी टर्म में कर लो, जिस फॉर्म में दिए उसी फॉर्म में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको और सिंपल बताता हूं, ओमेगा में भी मत उलझो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा माइनस वन अल्फा बीटा वन है, ओके बेटा। आपने ऐड किया तो बताओ क्या आएगा, वाई प्लस वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये है माइनस वन, ये कैंसिल, तो आपको पहले कॉलम में वाई मिल गया कॉमन, क्या मिला बोलो, वन 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 अल्फा वाई प्लस बीटा वन बीटा वन वाई प्लस अल्फा, ऐसे ही लिखा रहें तो चलेगा। अब दो जीरो तो हम बहुत जल्दी बना सकते हैं, बना लीजिए, वन अल्फा बीटा बोलो जीरो गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा, वन माइनस बीटा जीरो, वन माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, खत्म। बस इसके लिए सॉल्व कर दीजिए, तो क्या होगा, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप वाई छोड़ दो अभी, वाई प्लस बीटा माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा, इसका भी मल्टीप्लाई थोड़ी टेक्निक से करोगे तो जल्दी होगा। कैसे, इसको ऐसा समझो, y माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस बीटा, y प्लस अल्फा माइनस बीटा एंड दिस वन इज वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़े इजीली, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अब इसमें आप अल्फा बीटा को ओमेगा भी लिख सकते थे, अच्छा देखो इसमें क्या फायदा हुआ, ये आप ऐसा लिख सकते थे, यहां पर आप बड़े ही इजीली ये लिख सकते थे, कितना वन माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखो इसको कॉमन, इस सब की वैल्यू पता है बड़ा जल्दी, अल्फा माइनस बीटा भी क्या होता है का होल स्क्वायर, सिंपल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, यानी अब अल्फा बीटा से कर लिए ओमेगा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आंसर आएगा वाई क्यूब।